आप समुद्र की लहरें देख सकते हैं यहाँ तक आ रही हैं। हवा की वजह से ये जो लहरें हैं वो यहाँ तक आती हैं, आप देख सकते हैं किनारे तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपको मुंबई की चौपाटी दिखा रहा हूँ जो चैत्य भूमि के बाजू में है, तो आप वीडियो पर बने रहिए, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको समुद्र दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं जन समुदाय, भीम अनुयायी लाखों की तादाद में चौपाटी के पास यहाँ पर खड़े हैं और तो देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप इधर पीछे में देखेंगे तो सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। बाप रे, कितने लोग हैं यहाँ देखने के लिए आए हैं। किस साइड जाएं हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर जाएंगे? इधर इकड़े लेफ्ट लेफ्ट। चल तिकड़े चल, यांना दाखवायचं आहे। जय भीम म्हणा, जय भीम। गर्दी आहे ना तिथं, गर्दी आहे ना। तो इधर चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ से जगह बनाते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। अरे बाप रे, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मुंबई का समुद्र। बाप रे, महापरिनिर्वाण के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर समुद्र में लोग आए हैं चौपाटी पे आप देखने के लिए, तो देखने के लिए समुद्र देखने के लिए आप देख सकते हैं इधर में। और ये पानी में बच्चे उतरे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैं झूम करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनको पानी में मजे लेते हुए, आप इधर भी देख सकते हैं इसे, इनको डूबने का कोई डर नहीं है, दूर तक जा रहे हैं वो, देख सकते हैं उधर। पूरा नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है और सामने में ब्रिज है और वो धुंध की वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो है वहाँ से रोड गई हुई है ब्रिज के ऊपर से। दोस्तों, आप मुंबई का समुद्र जो है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस मुंबई के समुद्र को। और आप मेरे पीछे में देख सकते हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन में यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष से, तो ये सभी लोग यहाँ पर समुद्र के किनारे आए हुए हैं देखने के लिए। देख सकते हैं इधर भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। और आप समुद्र की लहरें देख सकते हैं यहाँ तक आ रही हैं, हवा की वजह से ये जो लहरें हैं वो यहाँ तक आती हैं, आप देख सकते हैं किनारे तक। दोस्तों, इस ओर लेफ्ट साइड में बाबा साहब का स्मृति स्थल है, चैत्य भूमि है इस ओर से, तो उस जो जहाँ से बाहर निकलते हैं चैत्य भूमि से, वहाँ पर वहाँ से जो है यह किनार पट्टी जो है बंद कर दी गई है, वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, उस ओर हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जो राइट साइड से जो आना होता है तो इस चौपाटी हम आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए लोग, पानी में आप देख सकते हैं बच्चे मजे लेते हुए पानी के अंदर में।
दोस्तों आप इस बुजुर्ग को देख सकते हैं, इनको चलने की कोई ताकत नहीं, लेकिन ये लाठी लेकर यहाँ समुद्र के किनारे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर वो गिर गए तो बचना मुश्किल है। आप देख सकते हैं उस बच्चे के बाजू में, ये देखो, ये खड़े हो रहे हैं लाठी लेके, और आगे में अगर आप देखेंगे तो समुद्र है। वो देखो खड़े हो गए हैं, और दो लड़के जो हैं उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं बुजुर्ग को। वाह, अब देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं। दोस्तों वो बुजुर्ग जो है वो तो जा चुके हैं वहाँ तक देखने के लिए, अब वो पता नहीं वो कब लौट कर आते हैं। उनके इंतज़ार में मैं खड़ा हूँ, और आप बच्चों को देख सकते हैं यहाँ पर मज़े लेते हुए। और उधर में आप देख सकते हैं बोटिंग करते हैं, मछली पकड़ने वाले हैं वो। और आप देख सकते हैं उसको पानी के अंदर में। उधर में देख सकते हैं दोस्तों गहरे पानी में जा चुके हैं, जिनको तैरना आता है वो अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं मालकी मानता वर्तुन खाली जाता था, वर्तुन मानता खाली जाता था, लेकिन इला खाली जाने के लिए इकड़ मांडर जाने दिला दोन पैटा को मत दोन पैटा को और इधर आप देख सकते हैं अभी भी अनुयायियों की संख्या। आप ये इधर में भी देख सकते हैं चैत्यभूमि के साइड में, आज की वीडियो आपको कैसी लगी समुद्र के किनारे की। मैं आपको मुंबई का समुद्र जो है वो दिखा दिया है,
आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।